गुड मॉर्निंग माई डियर किड्स. सो एज वी हैव स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 1 हाउसेज इन द पास्ट एंड नाउ. इस चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है दैट हाउ द शिवम हैज अ वेल फर्निश्ड हाउस एंड हिज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर हैज दैट ओल्ड काइंड ऑफ होम. तो बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के घर हम लोग जब बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम एंड अकॉर्डिंग टू अवर इकोनॉमिकल फैसिलिटीज वी बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज. एज वेल एज इन अर्बन एरिया देर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज एज वेल एज इन द रूरल एरिया देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज. कई जगह पर हमें स्लम भी देखने को मिलते हैं जिसको झुग्गी बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग रहते हैं. सो एज वेल एज कई जगह रूरल हाउसेस में हम लोग देखते हैं जहाँ पे कच्चे घर होते हैं, कच्ची झोपड़ियाँ होती है और बहुत ही कम सामान को यूज़ करके वो घर बनाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट द पेज नंबर 207. जस्ट ओपन द पेज नंबर 207. सो नाउ चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 207. इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल. बिल्डिंग मटेरियल हाउसेज इन द पास्ट वर बिल्ट विद लोकली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल सच इज मड, स्टोन एंड वुड. पुराने जमाने में जो घर बनाए जाते थे उसमें इस तरीके के मटेरियल यूज लिए जाते थे जो वहाँ पे अवेलेबल हो, या गांव में जो घर बनाए जाते हैं अभी भी वहाँ पर जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसी मटेरियल से घर बनाए जाते हैं. ब्रिक्स एंड रूफ टाइल्स वेर ऑल्सो मेड फ्रॉम मड. यहाँ तक कि ईंटें और रूफ की जो टाइल्स होती है वो भी मड से बनाई जाती है. विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट इज़ नाउ पॉसिबल टू गेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम फार ऑफ प्लेस ऑल्सो. अभी ट्रांसपोर्टेशन इतना ईजी हो गया है जिसकी वजह से अगर हमारे गाँव में कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है हमें घर बनाने के लिए, देन वी कैन ब्रिंग इट फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस. In addition to brick and cement, lot of other materials such as marble and granite are being used for constructing houses. Bricks और cement को छोड़ के आज के ज़माने में marble और granite जो है वो भी इतना ज़्यादा popular हो गया है कि वो हर जगह available होता है और हर जगह लोग अपना घर बनाने के लिए उसे use लेते हैं. They are very expensive and only a few well-off people can afford them. ऑब्वियसली ये मटेरियल बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जो पीपल अफोर्ड कर सकते हैं वही पीपल इनको यूज़ करते हैं. मार्बल इज यूज फॉर फ्लोरिंग. फ्लोरिंग मतलब आंगन बनाने के लिए मार्बल यूज होता है. ग्रेनाइट इज यूज इन मॉडर्न होम फॉर किचन, बाथरूम काउंटर एंड शेल. अलग अलग शेल्फ्स बनाने के लिए या किचन में प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ग्रेनाइट का यूज़ होता है जो ग्रीन या ब्लैक कलर में अवेलेबल होता है. वुड इज यूज फॉर डोरवेज, डोर्स, विंडोज एंड कबर्ड. तो वुड भी यूज होता है जहां पर कबर्ड या विंडोज या डोर्स बनाने के लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर गार्बेज. बेटा हम लोग जब भी किसी भी चीज़ों को यूज लेते हैं ना तो हमेशा कहीं ना कहीं कचरा हम लोग पैदा करते ही हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हम लोग जितनी भी चीज़ों को रेगुलरली डे बाय डे टू फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग जितनी भी चीज़ों हम लोग यूज लेते हैं कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गार्बेज प्रोड्यूस करता है. इन अवर रूटीन लाइफ We throw things that are of no use. हम लोग चीज़ों को फेंक देते हैं जो चीज़ें काम की नहीं होती है. This includes fruits and vegetable peels, जिसके साथ fruits भी होते हैं, fruits और vegetables के कचरे भी होते हैं, paper, plastic bag, old toys, metal and old clothes. कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि हमें जो काम की नहीं है वो हम फेंक देते हैं. Besides homes, होम के अलावा ऑफिसेस, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, सब जगह ऐसे कुछ ना कुछ वेस्ट रिप्रोड्यूस, हमेशा वेस्ट प्रोड्यूस होता ही रहता है दिन ब दिन बाय एवरी आवर. वेस्ट और गार्बेज नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. और ये जो गार्बेज, ये जो कचरा पैदा हो रहा है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना ज़रूरी है बिकॉज इट कैन पॉल्यूट लैंड, वाटर एंड एयर. अगर उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो पानी, जमीन, हवा सबको पॉल्यूट कर देगा. गार्बेज ऑन द रोड ऑल्सो मेक अवर सराउंडिंग डर्टी. अगर सड़क पे कचरा पड़ा होगा तो हमारा घर के आसपास का जो सराउंडिंग है वो गंदा हो जाएगा. एनिमल एंड इंसेक्ट गेदर अराउंड दिस डम्स एंड स्प्रेड जम्स. जहाँ पर कचरा होता है वहाँ पर जानवर भी होते हैं और वहाँ पर मच्छर भी होते हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलने के डर रहता है. फ्लाइज, मॉस्किटोज, हाउस होल्ड पेस्ट लाइक कॉकरोचेस एंड रेट ब्रीड इन द गार्बेज. ये सारे इस कचरों के अंदर पैदा होते हैं और उनकी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं. अगर इसी तरीके से कचरा अगर हमारे घर के आसपास पड़ा रहा या हमारे घर में रहता है तो गंदगी हो जाती है, गंदगी से मच्छर होते हैं, मच्छर से बीमारी होती है. एंड दैट्स वाई
एज यू नो दैट वी आर मूविंग ऑन विथ क्लीन इंडिया मिशन, तो उसमें क्या होता है आपको पता है ना कि हर रोज हमारे घर के आगे एक गाड़ी आती है जो घर से कचरा लेके जाती है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर से कचरा साफ कर देते हैं बट उस कचरे को हम लोग सड़क पे फेंक देते हैं, तो वो और ज़्यादा गंदगी, डर्टी और जर्म्स क्रिएट करता है। सो दे लीड टू डिसीज सच एज मलेरिया, टाइफॉइड, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे कई सारी बीमारियाँ हैं जो मच्छर से और जर्म्स से फैलती है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। नाउ टाइप ऑफ वेस्ट, अब जो वेस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो कौन कौन से टाइप का होता है। जैसे कि एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लोगों के घर से अपने वेजिटेबल या फ्रूट का जो पिल्स है उसका जो कचरा जो बाहर फेंका है, अगर वो ज़मीन के ऊपर या मिट्टी के ऊपर आपने फेंका है, तो आप दो तीन दिन बाद देखोगे तो वहाँ पे वो कचरा नहीं मिलेगा। अगर आप मिट्टी में गाड़ भी दोगे, अगर उसको मिट्टी में डंप कर दोगे, तो भी वो कचरा कुछ दिन बाद मिक्सअप हो जाएगा मिट्टी के साथ। तो ऐसा जो कचरा है जो अपने आप मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और कभी हार्मफुल नहीं होता, ऐसा जो वेस्ट है उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। और अगर उसकी जगह आप लोग कांच की ग्लास है या कांच के टुकड़े हैं या मेटल के टुकड़े हैं, ऐसा कुछ अगर प्लास्टिक है, ऐसा कुछ अगर आप लोग उस मिट्टी के अंदर डंप करते हो, तो अगर उसको आप लोग एक साल के बाद भी निकालोगे ना, तो वो कचरा एज इट इज़ वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर मिक्सअप नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिग्रेड्स, ब्रेक डाउन एंड मिक्सिस विद द सॉइल ईजीली। वो खुद ब खुद डिग्रेड हो जाता है, खुद ब खुद मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है और कभी वो हार्मफुल नहीं होता है। लाइक लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, नेचुरल फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक मतलब कॉटन लाइक फैब्रिक जो होता है, सच एज कॉटन, जूट, पेपर, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी वेस्ट, मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है, जो हमें नेचर से मिला है, वो तो वापस नेचर में चला जाता है, पर जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं लाइक मेटल, लाइक प्लास्टिक, लाइक ग्लास, ये सारी चीज़ें कभी बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करती है। सम थिंग्स सच एज मेटल, ग्लास, प्लास्टिक डू नॉट रॉट ईजीली, वो अच्छे से अपने आप सड़ते ही नहीं है वो कभी। सच वेस्ट मटेरियल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज हार्म। वो एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। बोथ टाइप ऑफ वेस्ट शुड बी हैंडल्ड डिफरेंटली, और इसीलिए दोनों तरीके के वेस्ट को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। वेस्ट बीन्स ऑफ डिफरेंट कलर आर यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल। अगर आप लोग कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर भी दो अलग तरीके की डस्टबिन रखी जाती है, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं जिसमें खाने पीने का कचरा होता है, और एक में प्लास्टिक या मेटल का कचरा होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। मोस्ट कंट्रीज फॉलो दिस कलर कोड फॉर गार्बेज सेग्रेशन, और ज़्यादातर बहुत सारी कंट्री इस कोड को फॉलो करती है जिसके अंदर उनको ये पता चलता है कि अलग अलग टाइप का गार्बेज, अलग अलग टाइप का कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। आफ्टर दैट अर्बन एंड रूरल वेस्ट। अर्बन एंड रूरल वेस्ट का मतलब है कि गांव का कचरा और शहरों का कचरा। अब आपको लगेगा कि कचरे में भी कोई डिफरेंट होता है क्या, सो जस्ट रीड द चैप्टर। मोर वेस्ट इज जनरेटेड इन अर्बन एरियाज इन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज। ये तो हमको भी पता है कि शहरों के अंदर गांवों से ज़्यादा कचरा होता है। क्यों? क्योंकि शहरों के अंदर उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती है, उतनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स होते हैं, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होती है, उतनी ज़्यादा मशीन्स होती है, तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी उतना ज़्यादा कचरा क्रिएट होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फास्ट फूड लेके खाते हैं, जो पैकिंग फूड लेके खाते हैं, गाँव में ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं होता है, तो गाँव में ऑब्वियसली कचरा कम प्रोड्यूस होगा। पीपल इन टाउन एंड सिटीज़ बाय पैक्ड फूड, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान, एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट, कई सारी चीज़ें हम लोग शहरों के लोग खरीदते हैं। मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट आर पैक्ड इन कैन, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम। और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें जब भी हम लोग घर पे लाते हैं तो ऐसी चीज़ों के अंदर पैक होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम होती है। हाँ, कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड बायोडिग्रेडेबल है, वो पेपर से बना हुआ है, वो प्लांट से बना हुआ है, तो वो डिग्रेडेबल है। बट अगर बाकी किसी चीज़ में पैकिंग आती है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैकिंग आता है या कैन के अंदर या प्लास्टिक के अंदर पैकिंग आती है, तो वो सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल मानी जाती है। देन दैट वेस्ट एनवायरनमेंट को हार्मफुल होते हैं। नाउ डिस्पोजिंग वेस्ट, अब हम लोग इस वेस्ट को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इस वेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं, तो वेस्ट को डिस्पोज करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहला तरीका बताया है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग का मतलब होता है वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन।
एक म्यूनसिपालिटी की जो ट्रक होती है वो सारा कचरा इकट्ठा करके शहर से कहीं दूर लेके जाती है और कहीं पर एक खुला एरिया बनाया जाता है जिसको डंपिंग यार्ड बोला जाता है। अगर आप लोग मूवीज में देखते हो तो वहाँ पे भी शहरों से दूर बड़े बड़े कचरों के ढेर लगे होते हैं जिसे डंपिंग यार्ड बोला जाता है, जहाँ पर वो म्यूनसिपालिटी की ट्रक शहर का पूरा कचरा इकट्ठा करके शहर से दूर छोड़ के आ जाती है। तो वो शहर को नुकसान नहीं करता, बट बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कचरा एयर को, सॉइल को, लैंड को, पानी को, सबको पॉल्यूट करता है। दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, और ये मेथड से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। आफ्टर दैट लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब क्या होता है? तो वहाँ पे क्या करते हैं कि शहर से बहुत दूर एक बहुत बड़ा ऐसी ढलान वाली ज़मीन होती है या बहुत बड़ा खड्डा होता है या पुराना कोई तालाब होता है, ऐसा कोई जगह है जो ढलान का एरिया है, तो उसमें क्या करते हैं बहुत सारा कचरा ले जाके डाल देते हैं। और जब वो पूरा एरिया पैरेलल हो जाता है पास वाले एरिया के, तब उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर पक्की सड़क बना देते हैं जिसको बोलते हैं लैंडफिल। वंस द वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम होम्स एंड नेबरहुड, इट इज पुट इन सैनिटरी लैंडफिल। डीप पीट आर डग इन द ग्राउंड एंड आर फिल्ड विद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द पीट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ सॉइल, और ज़्यादातर इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है जिसकी वजह से वो वेस्ट पूरा सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए, कोई हार्मफुलनेस नहीं हो, और उसके ऊपर वापस सड़क बना के वहाँ की जो जगह है वो पैरेलल करके यूज ली जा सकती है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो जो पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता, और हमारे लिए वहाँ पर एक जगह को फील करने के लिए, अगर हम लोग कोई ढलान का एरिया होता है ना तो उसको पैरेलल कैसे करेंगे, बहुत सारी मिट्टी डालेंगे, कंकड़ डालेंगे, कुछ डाल के उसको पैरेलल करने का ट्राई करते हैं पास वाले एरिया के। बट अगर उसके अंदर सारा कचरा डाल दिया जाए और उसके ऊपर मिट्टी डाल के सड़क बना दी जाए तो कचरा भी डिस्पोज हो जाएगा और वो जगह भी पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से लैंडफिल बनाए जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, लाइक बर्निंग। बर्निंग मतलब उसको जला के कचरे से छुटकारा पाना। कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट का मतलब एक खड्डा खोदा जाता है, एक उस खड्डे के अंदर सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दिया जाता है और बाद में उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में से धीरे धीरे क्या प्रोड्यूस होता है, मैन्यूर। मैन्यूर मतलब खाद, और वो जो खाद है वो खाद वापस हम लोग खेतों में काम में ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट पिट। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड मेथड फॉर डिस्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इस तरीके से कंपोस्ट पिट बना के भी हम लोग उस वेस्ट से मैन्यूर मतलब खाद बना सकते हैं। नाउ जनरली वी शुड फॉलो थ्री काइंड ऑफ आर, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, व्हाट इज रिड्यूस, व्हाट इज रीयूज एंड व्हाट इज रिसाइकल। सो वी शुड फॉलो द थ्री आर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बेटा रिड्यूस का मतलब है कि हम लोग ट्राई ही ऐसा करें कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, उसको बोलते हैं रिड्यूस। रीयूज का मतलब है जो वेस्ट प्रोड्यूस हो चुका है उसमें से कुछ ना कुछ नया बनाना, जैसे कि हम लोग जो प्लास्टिक घर में यूज लेते हैं, जो न्यूज़पेपर घर में यूज लेते हैं, जो पेपर्स यूज लेते हैं, उन सबको वापस फैक्ट्री में रिसाइकलिंग करने के लिए भेजना। रीयूज का मतलब है अगर कोई पॉलीथीन घर पे खाली पड़ी है तो उसको वापस यूज करना। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, अगर ये तीन आर हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग वेस्ट को कम क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है रिड्यूस, मतलब अगर हम लोग फ्रेश फूड खरीदें, पैक फूड ही नहीं खरीदें, या हम लोग अगर मार्केट जा रहे हैं अगर मना कर दे भी मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग रिड्यूस वेस्ट, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करने का ट्राई करें। रीयूज़, घर पे कुछ ऐसे कार्डबोर्ड पड़े हैं, कुछ ऐसे कैन पड़े हैं प्लास्टिक के, एल्यूमिनियम के, तो उसको हम लोग और कोई काम में यूज़ लें। और रिसाइकल का मतलब है जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई है उसको वापस मेल्ट करके उसमें से वापस कुछ बनाना और रिसाइकल करना। तो इस तरीके से थ्री आर, बाय यूजिंग ऑफ दिस थ्री आर प्रिंसिपल वी कैन हेल्पफुल टू द नेचर। तो बेटा चैप्टर रीड करो, आई नो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट यू शुड ट्राई टू रीड सो यू कैन ईजीली गिव द आंसर्स of the questions, okay?